नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। पुरानी पेंशन सहित अपने विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर विगत मंगलवार 14 मार्च से राज्य के सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई अनिश्चित हड़ताल एक सप्ताह बाद खत्म हो गई है। आज मंगलवार 21 मार्च को सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर वापस लौट आए। ऐसे में सभी सरकारी कार्यालयों में आज सुबह से पहले की तरह चहल पहल व रौनक दिखाई देने लगी। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल का आह्वान करने वाले मध्यवर्ती संगठन द्वारा गत रोज हड़ताल पीछे लिए जाने की घोषणा किए जाने के बाद विगत एक सप्ताह से काम बंद आंदोलन कर रहे सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आज से अपने अपने काम पर लौट आए हैं। ऐसे में सभी सरकारी कार्यालय एक सप्ताह बाद पहले की तरह गुलजार दिखाई देने लगे हैं और प्रशासनिक कामकाज एक बार फिर गतिमान हो गया है। राज्य सरकार द्वारा गुड़ी पड़वा व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती निमित्त राशन कार्ड धारकों को आनंद की सुविधा वितरित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन एक सप्ताह चली हड़ताल के चलते इस फैसले के अमल पर विघ्न पड़ता दिखाई दिया क्योंकि राशन सामग्री की आपूर्ति समय पर नहीं हो सकी। ऐसे में गुड़ी पड़वा का मुहूर्त टल गया है। कल बुधवार 22 मार्च को ही गुड़ी पड़वा का पर्व पड़ रहा है और हड़ताल खत्म होने के बावजूद इतनी जल्दी सुविधा वितरण की तैयारियां पूरी नहीं हो सकी। कल बुधवार 22 मार्च से शोभन नाम का नया संवत्सर आरंभ हो रहा है। हिंदू नववर्ष पर सर्वत्र आनंद उत्साह का वातावरण रहेगा। ऐसे ही घर में नए गहने व उपकरण लाने की भी शुभ घड़ी का अनुपालन कई लोग गुड़ी पड़वा पर करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य व वैभव की गुड़ी भी हर घर में खड़ी की जाएगी। कालगणना में चैत्र पहला मास और शुक्ल प्रतिपदा पहली तिथि मानी जाती है। नूतन वर्षारंभ इसी दिन होता है। नववर्ष पर घर के सामने ऊंची जगह पर सुबह गुड़ी लगाने के बाद परंपरा अनुरूप उसका पूजन किया जाता है। वाशिम के शिरपुर जैन स्थित अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर को खोलकर मूर्ति पर लेप प्रक्रिया करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने जैन समाज के दोनों पंथ राजी हो गए हैं, जिससे परसों गुरुवार 23 मार्च से भगवान की मूर्ति पर लेप प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दिगंबर मुनि एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज और श्वेतांबर मुनि श्री पन्यास प्रवर श्री परमहंस विजय जी महाराज ने संयुक्त रूप से की। इस समय देश में सबसे चर्चित युवा धार्मिक प्रवक्ता बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का अमरावती वासियों को शीघ्र दर्शन लाभ होने वाला है। सूत्रों ने आज मंडल न्यूज को बताया कि विधायक रवि राणा की ओर से उन्हें निमंत्रित किया गया है और महाराज के हाथों छत्ती तालाब के पास प्रस्तावित 111 फीट ऊंची हनुमान जी की भव्य प्रतिमा का शिलान्यास होने वाला है। साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि धीरेन्द्र शास्त्री के हाथों ही जिले के हनुमान मंदिरों के संचालकों व पुजारियों का रजत सत्कार भी किया जाएगा। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने गत रोज बजट सत्र के दौरान विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए नानगांव पेट की पंचतारांकित MIDC के आसपास स्थित ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र निधि दिए जाने की मांग उठाने के साथ ही कहा कि इन ग्राम पंचायतों की कर की दरों में वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी तुलना में जनसंख्या के लिहाज से उन्हें अपेक्षित विकास निधि नहीं मिलती है, जिससे इन क्षेत्रों में विकास कामों पर विपरीत परिणाम पड़ रहा है। विगत दिनों हुई बेमौसम बारिश व अतिवृष्टि के चलते खेती किसानी के हुए नुकसान का जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा मुआयना किया गया। इस समय शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले भी जिलाधीश पवनीत कौर के साथ उपस्थित थे, जिन्होंने नुकसानग्रस्त खेतों व फसलों का जल्द से जल्द पंचनामा करने और प्रभावित किसानों को नुकसान भरपाई मुआवजा दिलाने के बारे में जिलाधीश पवनीत कौर से निवेदन किया। इन दिनों लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर महानगरपालिका के शिक्षा अधिकारी अब्दुल राजिक ने मनपा अंतर्गत आने वाली सभी प्राथमिक शालाओं को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक चलाने के निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में शाला व्यवस्थापन को यह आदेश प्राप्त होने के बाद उस पर अमल किया जा रहा है। मनपा प्रशासन द्वारा सिटी बस का ठेका साहू टूर्स एंड ट्रेवल्स को दिए जाने के बाद संभावना जताई जा रही थी गुड़ी पड़वा से पहले शहर की लाइफलाइन शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से सिटी बस सेवा अब तक शुरू नहीं हो पाई है और अब संभावना जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक सिटी बस की सेवा शुरू की जाएगी, क्योंकि नए ठेकेदार महेश साहू के सामने अभी कई चुनौतियां हैं और पुराने ठेकेदार की तरफ बैंक का कर्ज बकाया रहने से यह मामला जब तक नहीं सुलझता तब तक शहर की लाइफलाइन को सड़क पर नहीं लाया जा सकता। केंद्र सरकार ने आगामी 1 अप्रैल से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य की है, जिससे स्वर्णकारों को अपने द्वारा बनाए गए आभूषण हॉलमार्क केंद्र से प्रमाणित करना आवश्यक हो गया है। ऐसे में अकोला में हॉलमार्क केंद्र शुरू होने की जानकारी देते हुए अकोला के सराफा बाजार सूत्रों ने बताया अब सुनारों को नागपुर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला वकील संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए श्री जाखड़ व गजेंद्र सदार के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार बने हैं। दोनों ने ही अपने नामांकन दायर कर दिए हैं। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद के लिए इमरान नूरानी एनडी राउत व श्रीमती एनएस दिघिले ने फॉर्म भरे हैं। वकील संघ के वार्षिक चुनाव का नामांकन आज सुबह 11 से दोपहर 2:30 बजे के दौरान होने की जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदकिशोर कलंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में दी। स्कूल ऑफ स्कॉलर द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि रोटरी क्लब ऑफ अमरावती अम्बानगरी तथा JCI अमरावती गोल्डन प्रिंसेस के संयुक्त सहयोग से आगामी शनिवार 25 मार्च को सुबह 6 बजे जिला स्टेडियम पर हैप्पी स्ट्रीट नामक अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें स्वस्थ व खुशहाल जिंदगी जीने के बारे में जन जागरूकता की जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि शेगौना का परिसर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मनोज इंगली के खिलाफ मनपा के उप अभियंता सुनील चौधरी व अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारी अजिंक्य घोगरे ने आपसी मिलीभगत करते हुए सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का झूठा मामला दर्ज किया है, जिसे तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य बिक्री व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन द्वारा जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा नए श्रम कोड बिल को महाराष्ट्र में लागू करने के निर्णय को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि यह कानून कामगारों के लिए अन्यायकारक है। आजाद समाज पार्टी द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि नवाते चौक पर खामगांव बैंक व कस्तूरी पेट्रोल पंप के बीचों बीच रोड डिवाइडर है, ऐसे में पेट्रोल पंप पर आने जाने हेतु लोगों को काफी लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार लोग रॉन्ग साइड भी आते हैं। ऐसे में यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा सड़क हादसा घटित हो सकता है, अतः यहाँ पर रोड डिवाइडर में एक ओर से दूसरी ओर जाने जाने के लिए जगह छोड़ी जाए। नांदगांव पेट के टोल नाके पर विगत 10 साल से सुपरवाइजर व ऑपरेटर के रूप में कार्यरत रहने वाले दो कर्मचारियों को टोल व्यवस्थापन द्वारा काम से हटाने पर इस अन्याय के विरोध में दोनों कर्मचारियों ने सोमवार से अनशन करना शुरू किया। आज दूसरा दिन रहने के बावजूद अभी तक प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं की गई। लगातार बढ़ती महंगाई तथा पेट्रोल व डीजल सहित गैस सिलेंडरों के लगातार बढ़ते दामों के विरोध में चांदू रेलवे निवासी महिलाओं ने तहसील कार्यालय के सामने जमकर धरना आंदोलन किया और केंद्र सरकार की नीतियों का निषेध भी किया। विगत 15 मार्च से पूरे जिले में बेमौसम बारिश रहने व ओलावृष्टि होने से उपज मंडी में अनाज की आवक काफी कम हो गई थी। मंडी प्रशासन ने भी किसानों को मौसम देखकर अपना माल मंडी में बिक्री हेतु लाने की सूचना दी थी। 6 दिन बाद सोमवार से आसमान से बादल छटने और मौसम साफ होने से मंडी में अनाज की आवक बढ़ गई। सोमवार को जहां 21,000 बोरों की आवक हुई, वहीं आज मंगलवार को 23,000 बोरों की आवक बताई जा रही है। इसमें चने की आवक सर्वाधिक है। अमरावती जिले की सभी 12 मंडियों के चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। कोरोना महामारी की वजह से विगत 2 वर्ष तक चुनाव नहीं हो पाए, जिस वजह से प्रशासक राज चल रहा है। सहायक निबंधक कार्यालय ने 20 मार्च को अंतिम मतदाता सूची घोषित की है, जिसके अनुसार इस वर्ष विभिन्न वर्ग के 20,903 मतदाता मंडी संचालकों के भविष्य का फैसला करेंगे। शिंदे फडणवीस सरकार ने राज्य परिवहन निगम के स्तर पर महिला सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत आधे किराए पर महिलाओं को सफर की सहूलियत दी जा रही है। ऐसे में 4 दिनों में अमरावती के 8 डिपो में 97,199 महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया। साथ ही महिलाओं से 27 लाख रुपए का कलेक्शन भी प्राप्त हुआ। लगभग इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा ST महामंडल को दी जाएगी, ऐसी जानकारी विभागीय नियंत्रक नीलेश बिलसरे ने आज दोपहर यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी। याच्यामध्ये सगळे प्रकार आहेत। आता याच्यामध्ये जर सर माहिती जर देण्याचं झालं तर आपल्याला दिवस अपुरा पडेल, पण एक मोठा मोठी तुम्हाला सांगतो की भविष्यात CNG इलेक्ट्रिक बसेस या येणार आहेत। इलेक्ट्रिक बसेससाठी आपले चार्जिंग स्टेशन तयार होणं आवश्यक आहे। काही डेपो फक्त इलेक्ट्रिक डेपो म्हणून सुद्धा राहतील। रविनगर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में आगामी गुरुवार 6 अप्रैल को हनुमान जयंती उत्सव की भव्य तैयारी प्रारंभ हो गई। उत्सव अंतर्गत कल 22 मार्च से तुलसीकृत रामचरित मानस की स्थापना कर 6 अप्रैल तक अखंड पाठ शुरू रहेगा और 28 मार्च को शाम 5 बजे हनुमान जी की प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा बड़े उत्साह के साथ दशहरा मैदान से रविनगर मंदिर तक ले जाई जाएगी। 30 मार्च को दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 2 अप्रैल को शाम 5 बजे हनुमान चालीसा का सामूहिक पठन करने के साथ ही 5 अप्रैल को शाम 6 बजे हनुमान जी का लघु रुद्राभिषेक होगा। गुड़ी पड़वा पर्व की पूर्व संध्या पर आज मातृशक्ति परिवार द्वारा शहर में महिलाओं व युवतियों की भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कई महिलाएं व युवतियां केसरिया साफा बांधकर दुपहिया पर सवार होकर शामिल हुई। अम्बापेट के क्रीड़ा मंडल से प्रारंभ हुई ये दुपहिया रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरते हुए नरसम्मा महाविद्यालय के प्रांगण पर पहुंची, जहां पर श्रीराम पंचायतन मंदिर में इस रैली का समारोह पूर्वक समापन किया गया। चंद्रपुर व गढ़चिरौली जिलों में आज सुबह 8:45 बजे के आसपास भूकंप के हल्के झटके महसूस किए जाने की खबर है। जिला प्रशासन ने हल्के भूकंप की पुष्टि करते हुए बताया कि इस बारे में जानकारी लेने का काम चल रहा है। आगामी श्रीराम नवमी, रमजान माह व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर शहर में शांति व व्यवस्था बनी रहे, साथ ही किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित न हो, इस उद्देश्य से शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज वसंत हॉल में शांतता समिति की बैठक ली और उपस्थितों के सुझाव सुनने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। जो हद
शहर पुलिस आयुक्त की स्थापना में चालक पुलिस सिपाही के 21 पदों हेतु पुलिस भर्ती की प्रक्रिया ली गई थी, जिसके तहत 2 जनवरी को पुलिस मुख्यालय के कवायद मैदान पर मैदानी जांच ली गई थी और वाहन चलाने के कौशल की परीक्षा 6 व 7 जनवरी को ली गई थी। इन परीक्षाओं में पात्र रहने वाले 187 उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आगामी 26 मार्च को गणेश दास राठी विद्यालय में आयोजित की जा रही है। सुबह 8:30 से 10 बजे तक चलने वाली इस परीक्षा हेतु पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा से 2 घंटा पहले यानी सुबह 6:30 बजे गणेश दास राठी विद्यालय में उपस्थित रहना होगा। ऐसी जानकारी शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा दी गई है। धारणी के महावितरण कार्यालय ने विगत 14 वर्षों से नगर पंचायत का प्रॉपर्टी टैक्स व पानी का बिल अदा नहीं किया था। ऐसे में अब तक जुर्माने सहित 17,39,726 रुपए महावितरण को नगर पंचायत से वसूल करना है। इस बारे में कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद रकम की अदायगी नहीं होने पर नगर पंचायत प्रशासन ने आज कार्रवाई करने का निर्णय लेकर महावितरण कार्यालय में ताला ठोक कर सील लगा दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 2 माह पहले कर्नाटक के बेलगांव कारागार में सजा काट रहे जयेश पुजारी उर्फ जयेश कांथा नामक कुख्यात आरोपी ने धमकी भरे 3 फोन कॉल किए थे, जिसके बाद उसी आरोपी का नाम बताकर आज मंगलवार की सुबह गडकरी के नागपुर के खामला स्थित कार्यालय में फोन कॉल करते हुए 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। नागपुर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। विगत 18 मार्च की रात महापौर बंगले के पास वृंदावन कॉलोनी निवासी मनीष बैस ने अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। न्यू रामेगे इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल विभाग प्रमुख के तौर पर कार्यरत मनीष बैस द्वारा आत्महत्या करने से पहले लिखी गई 2 पन्नों की सुसाइड नोट मौके से बरामद हुई थी, जिसे आधार बनाते हुए गाड़गानगर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की है और विगत 24 घंटों के दौरान करीब 3 से 4 लोगों से पूछताछ करते हुए उनके बयान दर्ज किए। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के राजपूत ढाबे के पास गौवंश की तस्करी करते हुए पिकअप वाहन जा रहा था और यह तेज रफ्तार वाहन अचानक पलटी खा गया। इस हादसे में 1 गौवंश की मौत हो गई, वहीं वाहन चालक अल्तमस खान बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने 9 मवेशियों को सुरक्षित बचाने में सफलता प्राप्त की, वहीं मवेशियों की तस्करी करने वाला और 1 आरोपी भागने में सफल रहा। मुर्शीबरोड मार्ग पर दापोली गांव के मोड़ पर पुल के निकट मोटरसाइकिल चालक का वाहन से नियंत्रण छूट जाने के कारण हुए हादसे में मोटरसाइकिल चालक रविंद्र राउत की मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे राजेंद्र काले नामक युवक ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसकी जान बच गई। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के SBI ATM सेंटर पर बुलढाना निवासी राहुल ससारे रुपए निकालने के लिए गया, लेकिन रुपए नहीं निकलने के कारण उसने दूसरे व्यक्ति से सहायता ली और उस दूसरे व्यक्ति ने ATM कार्ड बदलकर राहुल को 50,000 रुपए का चूना लगा दिया। गाड़गनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरजगांव कस्बा में कल शाम 6 बजे तेज गति से जा रहे ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने के कारण ट्रैक्टर चालक संजय इवने की ट्रॉली के नीचे दबकर मौत हो गई। नांदगांव खंडेश्वर के धानोरा फांसी से जयसिंगा रोड पर एक खेत में तिरछा लगा पुराना सीमेंट का पोल सीधा करते समय पोल टूटकर हुए हादसे की वजह से 19 वर्षीय संकेत उर्फ दीपक गाठे की मौत हो गई। दरियापुर स्थित शांताई भोजनालय के संचालक छोटू सोमवंशी के पुत्र सुमित सोमवंशी की सड़क हादसे में मौत हो गई। सुमित लाखपुरी स्थित भोलेनाथ के दर्शन कर परतोड़ा वापस लौट रहा था, इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिससे सुमित के सिर पर गहरी चोट लगी थी। खामगांव के गांधी चौक परिसर में मोटरसाइकिल की डिक्की से 6 लाख रुपए से भरी बैग गायब करने वाले गुजरात के कुख्यात छर्रा गैंग का अपराध शाखा पुलिस ने पर्दाफाश किया है और इस गैंग के 3 सदस्यों को शेगांव बालापुर रोड पर खेत में डकैती का षड्यंत्र रचते समय गिरफ्तार किया। यवतमाल की केलापुर तहसील अंतर्गत पाठनबोरी के वार्ड क्रमांक 4 खड़कपुरा में रविवार की रात 17 वर्षीय छात्रा की करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई। छात्रा का नाम सुमैया यूनुस पठान बताया गया है, जो रात को पढ़ाई के दौरान चेहरे पर पानी छिड़कने के बाद टॉवेल को तार पर सुखाने गई थी तो उसके गीले हाथों पर तार की वजह से भयानक करंट लगा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।